हेलो स्टूडेंट्स आई डॉक्टर पूजा अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नेट जीआरएफ पेपर वन यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कर रहे हैं अभी तक हमने एट लेक्चर्स डिस्कस करे हैं जिसमें डिफरेंट uh, टॉपिक्स को हमने एक्सप्लेन uh, किया है समझा है और आज हम लेक्चर नाइन में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज अगर आपको याद हो तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फोर्थ पार्ट है इन फैक्टर्स का जिसमें हमने इफेक्टिव टीचिंग के डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस किए हैं सो so, स्टूडेंट uh, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस लेक्चर सीरीज का ट्रेंड है कि हम हर लेक्चर के एंड में एक होमवर्क एम सी क्यू असाइनमेंट आपको देते हैं जिसे आप घर में डिस्कस करते हो एनालाइज करते हो उसका आंसर सोचते हो और हर लेक्चर के बिगिनिंग uh, में हम पहले उस होमवर्क एम सी क्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तब हम आगे अपने लेक्चर uh, की ओर बढ़ते हैं सो so, पिछली बार का होमवर्क क्वेश्चन था क्वेश्चन uh, है ऑल द फॉलोइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एक्सेप्ट option a emphasizing group discussion for the purpose of clarifying the objectives option b emphasize upon standard option c emphasize upon the quick control of the problematic situation option d differential treatment method out टू द स्टूडेंट ऑफिस क्लास यहाँ पर हमको क्या बताना है पहले हमें ये डिस्कस करना होगा क्योंकि स्टूडेंट कई बार आप ये गलती करते हैं कि आपको सही आंसर आते हुए भी केवल क्वेश्चन को ठीक से न समझने के कारण रॉन्ग आंसर पे टिक आ जाता है आप टिक लगा देते हो तो यहाँ पर हमें हमसे जो पूछा जा रहा है वो सवाल है कि जो टीचर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एक एफेक्टिव टीचर का वो हमें टिक करना है हमें इस यहाँ पर तीन आंसर दिए हैं जो कि एक इफेक्टिव टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो किसी भी इफेक्टिव टीचर का कैरेटरिस्टिक फीचर नहीं है राइट सो ऑप्शन ए इम्फेसाइज ग्रुप डिस्कशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव येस ये एक इफेक्टिव uh, टीचर का uh, अच्छा साइन है कि उसको हमेशा ग्रुप डिस्कशन uh, करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएं देन ऑप्शन बी एम्फेसाइज अपॉन स्टैंडर्ड एक इफेक्टिव टीचर को हमेशा अपना टीचिंग का स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए और उस पर ही आ, हमेशा आ, 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 फोकस करना चाहिए कि वो एक सही लेवल को अचीव करे देन ऑप्शन सी एम्पोसाइज अपॉन क्विक कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये भी एक इफ़ेक्टिव टीचर की निशानी है कि आप हर प्रॉब्लम या किसी भी ऐसी सिचुएशन जिसको कि जो प्रॉब्लम रखती है उसको आप फ़ौरन कंट्रोल कर पाएँ आपकी क्लास के अंदर कोई भी प्रॉब्लमराइज हो जाए उसको आप कंट्रोल में ले आएँ ऑप्शन डी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू स्टूडेंट ऑफ़ इस क्लास ये ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली एक इफेक्टिव टीचर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आप अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे आप बाइस्ड बिहेवियर अपनी क्लास में नहीं करेंगे राइट सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब स्टूडेंट्स आगे हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जिसमें आपको पता होगा कि पहले हम एक कोर्ट के थ्रू टीचिंग और लर्निंग की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं <coughs> यहाँ पे आज का कोर्ट है द मीडियोकर टीचर टेल्स द गुड टीचर एक्सप्लेन्स द सुपीरियर टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स बट द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स मिस्टर विलियम आर्थर वार्ट ने बिल्कुल ठीक बात कही है स्टूडेंट्स कि जो एक एवरेज टीचर होता है वो जाकर क्लास में केवल इन्फॉर्मेशन सर्व कर देता है स्टूडेंट्स को डैट इट लेकिन जो गुड टीचर यानी कि अच्छा टीचर है वो उसी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है ताकि बच्चों को स्टूडेंट्स को वो बात समझ में आ जाए सुपीरियर टीचर क्या करता है वो उस इंफॉर्मेशन को एग्जाम्पल और डिमॉन्स्ट्रेशन uh, के थ्रू डिस्प्ले करता है स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक क्लियर हो कॉन्सेप्ट समझ में आए इसका प्रयत्न करता है लेकिन जो ग्रेट टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को पहले इंस्पायर करते हैं किस बात के लिए इंस्पायर करते हैं लर्निंग के लिए कि आप स्टूडेंट्स को जीवन में इंस्पायर करें और उनको उनके भविष्य का उनके जो उनका ऑब्जेक्टिव है जीवन का उसकी ओर अग्रसर होने में हेल्प करें राइट सो so स्टूडेंट्स Uh, आगे बढ़ते हैं uh, जिसमें हमको फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज डिस्कस करना है तो इसको डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होती क्या है इसका क्या मतलब है सो स्टूडेंट्स द इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ आर द एलिमेंट्स विच असिस्ट एन इंस्ट्रक्टर इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस डैट मीन्स हम इन सोर्सेज की बात कर रहे हैं उन माध्यमों की बात कर रहे हैं जो uh, एक इंस्ट्रक्टर या एक टीचर को हेल्प करते हैं असिस्ट करते हैं अपने टीचिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में जैसे कि क्लासरूम है लाइब्रेरीज़ हैं साइब्रेरीज़ हैं टेक्स्ट बुक है जो आपका आपकी टीचिंग का आपके पढ़ाने का माध्यम बनते हैं क्लासरूम अगर नहीं होगा तो हम बच्चों को कैसे कलेक्टिवली आप उनको ज्ञान दे पाएंगे आप उनको क्लास दे पाएंगे देन लाइब्रेरीज़ जिसमें कि जो बुक्स हैं वो एक टीचर के लिए भी हेल्पफुल होती हैं उनको लेक्चर प्लान बनाने में टीचिंग Uh, जो uh, उनका कंटेंट है वो तैयार करने में हेल्प करते हैं एंड सैमटी स्टूडेंट्स के लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं बिकॉज यू जस्ट फाइंड योर स्टडी मटीरियल फ्रॉम द लाइब्रेरीज साइब्रेरीज इज़ अ न्यू टर्म है उसका क्या मतलब है जो डिजिटल कंटेंट आप एक्सेस करते हो आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है जिसमें कि आप जो डिजिटल यानी कि ई बुक्स हैं जो ई जर्नल्स होते हैं वो जो कंटेंट आप एक्सेस करते हो उस कलेक्टिव प्लेस को हम साइब्रेरी कहते हैं राइट देन टेक्स्ट बुक्स जो आपकी अपनी किताबें हैं जिनको आप रेफर करते हैं जिनको आप बेस बनाते हो अपने सिलेबस को कम्प्लीट करने के लिए Then, students, they also, uh, these instructional facilities also supplement and support teaching methods. डेफ़िनेटली जो ये माध्यम ये सोर्सेज हैं ये एक टीचर को सपोर्ट करते हैं कि वो अपने टीचिंग को कंप्लीट कर पाए द टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ इंक्लूड ऑडियो एंड वीजअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ जो टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें ऑडियो और वीडियो भी uh, शामिल हो गया है अब जैसे कि अगर कोई टीचर क्लास में कोई लेक्चर uh, डिलीवर uh, कर रहे हैं तो वहाँ पर वो अपने लेक्चर के टॉपिक को एक्सप्लेन uh, करने के लिए स्टूडेंट uh, को पूरी तरह से समझ में आ जाए इसके लिए अगर उससे रिलेटेड कोई ऑडियो चलाते हैं या कोई विजुअल क्लिप लगाते हैं तो ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कहलाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टीचर लीडरशिप टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहा है तो अगर वो उसको बेहतर समझाने के लिए आ, साथ में ही क्लास में बॉर्डर मूवी को भी बॉर्डर मूवी का जो आ, एक इम्पॉर्टेंट एक क्लिप है जिसमें कि कैसे एक लीडर एक हारी हुई बाजी को भी जिता सकता है ये डिस्प्ले किया है तो आप उसके थ्रू बता सकते हैं कि हाउ द लीडरशिप इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट तो टीचर के लिए ये हेल्पफुल होगा कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए वो जो भी स्टूडेंट्स को समझाना चाह रहा है वो इन माध्यमों के थ्रू उनको आसानी से और अच्छी तरह से समझा सकता है सो देअर फॉर दे हेल्प इन बेटर लर्निंग रिटेंशन एंड रिकॉल थिंकिंग एंड रीजनिंग एक्टिविटी इंटरेस्ट इमेजिनेशन बेटर एसेमिलेशन एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो इसी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं ये हमको बेटर लर्निंग देती हैं हम इसको जो भी हम क्लासरूम में एज अ स्टूडेंट आप लर्न करते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में रह जाती हैं अगर आपने वो एक ऑडियो विजुअल किसी भी चीज़ का क्लिप सुनाए आपको सालों साल याद रहेगा आप कभी भूलोगे नहीं देन आपका कही कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट पर होता है आपकी ग्रोथ होती है आप बेटर अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ उस एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ जैसे अगर हम प्रिंट इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की बात करें तो उसमें टेक्स बुक आ जाती है पेम्फलेट्स आ जाते हैं हैंड आउट्स आ जाते हैं स्टडी गाइड्स आ जाती हैं मैनुअल आ जाते हैं जैसे अगर कोई मैथेमेटिक्स uh, का टीचर है उसने अपने फार्मूला का एक बुकलेट प्रिपेयर करा ताकि सभी स्टूडेंट्स को बार बार चैप्टर में जाके या बुक में जाके फार्मूलाज को नहीं देखना पड़े उन्होंने केवल फार्मूला मैनुअल तैयार किया और बच्चों को हैंड ओवर कर दिया ताकि बच्चों को ईजिली न करने में वो हेल्पफुल हो या फिर कोई कोई टीचर कोई केस स्टडी डिस्कस कर रहा है किसी टॉपिक को लेकर तो उसने केस स्टडी बच्चे बेहतर समझ पाए तो उन्होंने साथ में ही उसका एक प्रिंट आउट दे दिया हर स्टूडेंट को ताकि जब आप उस केस स्टडी को डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स के पास अपना मटीरियल है कि वो उसको देख समझ पाए राइट ठीक इसी तरह ऑडियो अगर आप ऑडियो uh, में uh, जो ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हैं उसमें कैसेट्स है माइक्रोफोन है पॉडकास्ट है तो इस तरह से आप कोई भी uh, अगर सपोज uh, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसमें कि आपको लगता है कि इसका ऑडियो अगर आप बच्चों को सुनाए तो बच्चों को बेहतर स्टूडेंट को बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई uh, uh, जो कम्युनिकेशन uh, uh, का क्लास चल रहा है जिसमें कि आपको लगता है कि आप जिन भी इम्पोर्टेंट uh, uh, या डिफ़िकल्ट वर्ड्स का प्रोनंसिएशन बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं तो आप वर्बली उसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर आप Uh, uh, एक uh, uh, उसका ऑडियो चला देंगे तो स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा उस एक्सेंट को uh, 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 उसको uh, उसका ग्रिप लेना उसको ग्रैस्प करना आसान होगा राइट देन विजुअल uh, जैसे कि चार्ट्स हैं रियल ऑब्जेक्ट्स हैं फोटोग्राफ्स हैं ट्रांसपेरेंसीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ uh, uh, कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसमें कि मे बी आप लिटरेचर में रबिंद्राथ टैगोर हैं uh, जो प्रेमचंद जी हैं uh, इनके uh, आप कुछ लेसन्स uh, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपने फ़ोटोग्राफ अपने क्लास में डिस्प्ले कर दिया ताकि वो बेटर उनको रिकग्नाइज़ कर पाएँ उनको पहचान पाएँ सो so, वो बच्चों को कनेक्ट बनाने में आसानी रहेगी उन उन फोटोग्राफ्स के थ्रू उन चार्ट्स के थ्रू तो जैसे आपने नर्सरी के जी जो प्राइमरी क्लासेज होते हैं उसमें देखा होगा कि बच्चों को वो अगर ए बी सी टी सिखाना है तो उन्होंने चार्ट बनाकर क्लास में डिस्प्ले कर दिया ताकि बच्चों का आई कॉन्टैक्ट उस कंटेंट से होता रहे और बच्चे उसको लर्न कर पाएँ बार बार उसको टीचर को बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक इसी तरह अगर सपोज ट्रांसपोर्ट चैप्टर चल रहा है नर्सरी में तो उन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट उन्होंने लैंड ट्रांसपोर्ट के पिक पिक्स लगा दिए अपने क्लासरूम में ताकि बच्चे बार बार उनको देखें और उसको वो सीख जाएँ तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हेल्प करती हैं ठीक इसी तरह ऑडियो विजुअल जिसमें कि दोनों चीज़ें ही हैं ऑडियो भी है और विजुअल भी है जैसे स्लाइड्स हैं टेप्स हैं फिल्म फिल्म स्ट्राइप्स टेलीविजन वीडियो मल्टीमीडिया फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं और आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है आप बच्चों को को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे हैं तो आपने उसका कंटेंट उसका टेक्स्ट वर्बली बताया और साथ में आपने दो घंटे का एक मूवी सेशन रखा बच्चों के लिए जिसमें आपने छाट कर फाइनल करके एक मूवी डिसाइड करी आ, जैसे नील बटे सन्नाटा जिसमें कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बताया गया है अगर आप वो मूवी बच्चों को दिखाएंगे सो दे विल बेटर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन लाइफ सो दी हाउ दे आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स दीज इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज प्ले अवेरी इंपॉर्टेंट रोल ठीक इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंटरक्टिव जैसे कंप्यूटर्स हैं ग्राफिक कैलकुलेटर्स हैं टैबलेट्स हैं अगर कोई मैथमेटिक्स का टीचर है वो कोई कैलकुलेशन कोई कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है तो बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं होंगे तो इट वुड भी क्वाइट डिफिकल्ट जहाँ पर बच्चों को अलाउ होता है बोर्ड की तरफ से कॉलेज की तरफ से कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर्स रख सकते हैं एग्जाम के वक्त या नॉर्मल कैलकुलेटर रख सकते हैं तो अगर ये जो माध्यम है ये बच्चों के पास होंगे तो दे विल बेटर अंडरस्टैंड राइट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कि ये जो हम जिन माध्यमों के हमने एग्जाम्पल डिस्कस uh, करे जो माध्यम uh, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इनके क्या फ़ायदे हैं इनके क्या लाभ हैं uh, जो एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं दे आर यूज टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव नो डाउट जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि वो सभी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाएंगी राइट देन दे ऑल्सो हेल्प लर्नर्स अचीव द लर्निंग आउटकम्स ड्यूरिंग क्लास रूम टीचिंग एंड लर्निंग कि अगर आप क्लास में हैं और क्लास में पढ़ते वक्त या पढ़ाते वक्त आपने इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज uh, या सोर्सेज को यूज किया है तो जो आउटकम आपको उस टीचिंग का चाहिए डेफिनेटली यू विल गेट इट और एज ए स्टूडेंट आपने जो आपको टेक अवे लेना था लेक्चर से वो बेटर टेक अवे आप ले पाओगे क्योंकि आपने उन माध्यमों के थ्रू उस लर्निंग uh, को कंप्लीट uh, uh, किया सो नाओ वी विल डिस्कस द बेनिफिट्स देर आर समिफिट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन नंबर वन इज़ मोटिवेशन ऑफ लर्नर्स जो भी लर्नर्स हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ एक मोटिवेशन होती हैं क्योंकि आप आप कभी मेमोराइज़ करें अगर अपना स्टूडेंट लाइफ मेमोराइज़ करें तो जो प्रोफेसर जो टीचर या स्कूल में जो टीचर आपको डिस्प्ले करके पढ़ाता था उसकी क्लास अटेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, जो मोनोटोनस वे में अपना लेक्चर डिलीवर करता है बहुत ही फ्लैट आपको टीचिंग दे देता है सिंपली आकर चैप्टर को रीड आउट कर दिया और आ, कहा कि भाई नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट तो उसके उस क्लास में इतना मजा नहीं आता राइट सो कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज लर्नर्स के लिए एक मोटिवेशन बनती हैं टू अटेंड द क्लास बेटर देन बेटर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपने इन सोर्सेज के थ्रू अपना टीचिंग किया है तो स्टूडेंट्स के लिए आ, जो रीटिंग करना है जो भी आपने उनको नॉलेज दिया जो भी आपने उनको क्लास दी इंफॉर्मेशन दी वो लाइफ लॉन्ग उसको रिटेन रखेंगे कभी भूलेंगे नहीं अगर आप इन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के थ्रू अपने लेक्चर्स को डिलीवर करोगे देन टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फैसिलिटेट चेंज इन एटीट्यूड डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर आप इन फैसिलिटीज uh, के थ्रू अपने टीचिंग को एग्जीक्यूट uh, कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के व्यवहार में आप फर्क देखेंगे दे विल बी मोर एक्साइटेड दे विल बी मोर यू नो दे दे आर मोर एक्टिव इन योर क्लास आपको रिस्पॉन्ड करेंगे दे विल दे विल आस्क मोर क्वेरीज टू यू दे विल आस्क मोर क्वेश्चन दे आर फुल ऑफ कंटेंट एंड वेन यू आर गोइंग टू गेट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स के वॉट दे हैव लर्न उन्होंने क्या सीखा आपके लेक्चर से सो दे हैव इनफ कंटेंट टू टेल यू और जब आप उनको इवालुएट करेंगे एग्जाम लेंगे So, कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट के व्यवहार में एक बड़ा बदलाव देखते हो क्यों देखते हो क्योंकि आपने अपनी टीचिंग को स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के थ्रू एग्जीक्यूट करा देन बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग आपका क्लास बहुत ऑर्गेनाइज होगा अगर आप बिलीव मी स्टूडेंट्स इट आई एम जस्ट टेलिंग ये केवल लिखा हुआ है और मैं आपको बता रही हूँ ऐसा नहीं है आ, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जब मैं क्लास में जाती हूँ कॉलेज में और वेन यू अप्लाई दीज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ तो आपका क्लास बहुत सिस्टमेटिक होता है फोर्टी फाइव मिनट्स कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा स्टूडेंट्स इतने इन्वॉल्व होंगे आपकी ती, आपकी टीचिंग में कि वो भी कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे सो so, कहीं ना कहीं जो टीचर है और और उसके जो माध्यम है टीचिंग के वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइट right? सो so, आपका क्लासरूम हमेशा ऑर्गेनाइज होगा देन टू फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग इसमें जब आप इन इन फैसिलिटीज का in का इंस्ट्रक्शन यूज करते हो अपने टीचिंग में तो सभी स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आपके लेक्चर में होता है ऐसा नहीं है कि कुछ जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं या जो कुछ अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स हैं केवल वो ही आउट ऑफ देयर नेचर दे इन्वॉल्व इन टू कंटेंट ऐसा नहीं है सभी बच्चे जो लास्ट पेंचर भी है वो भी आपकी बात को आपकी लर्निंग को उतना ही ग्रेस्प कर रहा होगा जितना कि आगे के बच्चे कर रहे हैं सो दिस इज अगेन द अचीवमेंट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज और बेनिफिट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेफिनेटली जब आप किसी भी बात को डिस्प्ले करके बताओगे आप उसको uh, बच्चों को एग्जाम्पल uh, से uh, uh, विभिन्न माध्यमों से आप समझा रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बढ़ जाता है फॉर एग्जाम्पल आप साइंस के टीचर हैं और आप बच्चों को साइंस आपने पहले कंटेंट लेक्चर दिया क्लास में फिर आप उसको लैब ले गए उन सब बच्चों को जब आप लैब ले गए तो आपने वो जो आप फॉर एग्जाम्पल आपने आयोडीन का रिएक्शन पोटैटो पर क्या होता है वो पहले आपने उसको कंटेंट डिलीवर किया फिर आप सभी स्टूडेंट्स को लैब में लेकर गए और आपने वहां पर डिफरेंट जो सोर्सेज हैं लैब के उनको यूज़ करके बच्चों को उसका एप्लीकेशन सिखाया आपने आ, आयोडीन लिया आपने स्टार्च लिया आपने पटैटो लिया आपने बीकर लिया आपने टेस्ट ट्यूब लिया और उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जो मैंने आपको क्लास में थ्योरी पढ़ाई थी आपको जो कंटेंट बताया था देखिए उसका एप्लीकेशन ऐसे होता है सो दे विल मोर अंडरस्टैंड आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमेशा स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रहेगा आपकी टीचिंग बहुत इफेक्टिव होगी आप सपोज़ कंप्यूटर टूटर टीचर हैं हैं आप कंप्यूटर टीचर तो आपने कंप्यूटर uh, पहले तो क्लास में सिंपली uh, बता दिया भाई वर्ड क्या होता है एमएस वर्ड में uh, ये ये फीचर्स uh, होते हैं इस तरह के स्टेप्स होते हैं अगर आप इसको ओपन करेंगे तो स्टेप वन स्टेप स्टेप थ्री लेकिन अगर आप उसको बच्चों को एक वर्बल लेक्चर के बाद उनको कंप्यूटर लैब लेकर जाते हैं और कंप्यूटर में बाकायदा उनको वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करके दिखाते हैं तो दे विल मोर अंडरस्टैंड अगर आपने सपोज आप हार्डवेस्ट ऑफ कंप्यूटर बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपका टॉपिक है तो आपने पहले वर्बली बताया भाई ये माउस है ये कीबोर्ड है ये स्क्रीन है ये कर्सर होता है ये प्रिंटर है फिर आप लैब में ले जाकर उन सारी चीजों को बच्चों को दिखाते हैं तो दे विल नेवर फॉरगेट वो जरूर इसको हमेशा याद रखेंगे कभी भूलेंगे नहीं देन ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज मेकिंग लर्निंग फन जो लर्निंग है वो बच्चों के लिए बहुत इंजॉयबल बन जाती है वो उनके लिए बोर्डम नहीं रहती वो उनको वो एक बोझ नहीं लगता है लर्निंग वो हमेशा उसको मजे मज़े में सीख लेते हैं पढ़ लेते हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी लेवल की टीचिंग होती है उसमें कैसे खेल खेल में टीचर बच्चों को आ, सब सिखा देती है फॉर एग्जाम्पल बच्चों को नंबर सीख रहे हैं बच्चे तो वन टू टू थ्री फोर तो ब्लॉक्स बना दिए उसमें नंबर वन तो यू हैव टू जंप ओवर द नंबर वन देन दे विल रिकग्नाइज तो आपने एक खेल एक गेम के थ्रू एक आ, उनको प्ले के थ्रू वो लर्निंग उनको सिखा दी ए बी सी डी सिखा दिया आपने उनको वन टू थ्री सिखा दिए तो आपने लर्निंग को एक फन बना दिया कैसे बना दिया इन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ को यूज करके देन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जब आप डिस्प्ले uh, के थ्रू फैसिलिटीज के थ्रू अपनी टीचिंग करते हैं तो बच्चों के कॉन्सेप्ट मोर क्लियर होते हैं उनके कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए उनके दिमाग में फॉर्मेशन बना लेंगे उनको uh, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा दे विल नेवर फॉरगेट दैट कॉन्सेप्ट जो कि आपने अपने टीचिंग के uh, अपने टीचिंग के दौरान इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को यूज करते हुए सिखाया था राइट सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कंप्लीट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से समझिएगा समझने की बात है और इससे रिलेटेड जब भी फिर क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे तो आप डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे विदाउट एनी डाउट सो अब हमारा इस लेक्चर का जो ट्रेंड है कि हम कुछ एम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं सो उसी सिक्वेंस में क्वेश्चन नंबर वन है इन आर प्रजेंट सोसाइटी वेयर वैल्यूज़ आर डिट्राइटिंग द एक्सीलेंट एजुकेशन विल बी विच ऑप्शन ए इनेबल्स वन टू अर्न इन एन ईजी मैनर ऑप्शन बी एक्सजरेट्स द कॉम्पिटिशन इन द सोसाइटी ऑप्शन सी वर्क फॉर री ऑफ ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज़ ऑप्शन डी डिक्सेलरेट्स द सोशल चेंज इन सोसाइटी। यहाँ पर हमसे पहले तो हम क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है आप ये हमेशा ध्यान रखिए मैं बार बार हर लेक्चर में ये बात कहती हूँ कि जब भी आप एम सी क्यू पढ़ें तो उसको वो ग्रांटेड नहीं लें उसको लाइटली नहीं लें <coughs> भले ही आपको क्वेश्चन इजी लग रहा हो लेकिन उसको ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी है कई बार क्वेश्चन आते हुए भी हम उसको गलत कर देते हैं राइट right? सो so हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आज के प्रजेंट सिनारियों uh, में प्रेजेंट सोसाइटी में जैसे कि हम देखते हैं कि वैल्यूज कम होती जा रही हैं तो एक्सीलेंट एजुकेशन क्या हो सकती है क्या वो ये है कि हमें वो जल्दी से अर्न करना सिखा देता है ऑप्शन ए कहता है ऑप्शन बी कहता है कि क्या वो हमको कॉम्पिटिशन कम्पीट करना सिखाता है हमें मोर कॉम्पिटेटिव स्प्रेड जगाता है या फिर ऑप्शन डी uh, जिसमें कि हम सोशल uh, चेंजेस uh, जो हैं वो कैसे uh, uh, जो सामाजिक बदलाव आ रहे हैं वो और उसमें जो कमियां आ रही हैं वो हमें सिखाते हैं या वर्क फॉर री स्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज ये स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि एक्सीलेंट एजुकेशन का मतलब तो यही है कि जब आप ये सीखते हो कि कैसे ह्यूमन और कल्चरल वैल्यूज को हम री एस्टैब्लिश करें कैसे हम उनको दोबारा अपने समाज को सुंदर और कल्चरल uh, वैल्यूज से भरा हुआ बनाए सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर लेट्स डिस्कस ऑप्शन क्वेश्चन टू वाइल्ड टीचिंग इन द क्लास वन ऑफ योर स्टूडेंट पॉइंटेड आउट शार्पली योर मिस्टेक्स वट विल यू डू इन सच अ कंडीशन देखिए ये बहुत ही कॉमन और नेचुरल थिंग है आप जब टीचिंग करते हैं चाहे सालों से टीचिंग कर रहे हो बट ये कई बार टीचर से हो ये आ, मिस्टेक हो जाता है कि जब आप डिलीवर करते हैं अपना कंटेंट आ, 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 फ्लुएंसी में कभी आप कोई मिस्टेक कर जाते हैं उसमें कोई भी मे बी शब्द आपने गलत बोल दिया या कोई गलत आपने उसको डिफाइन कर दिया कई बार हो जाता है इट्स नेचुरल इट्स नॉट अ बिग डील ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक या बहुत बड़ी कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी तो ऐसी कंडीशन में लेकिन एक टीचर को क्या करना चाहिए ऑप्शन ऑप्शन ए यू लीव द क्लास फॉर अ डे आप बस क्लास को छोड़कर निकल आएंगे या ऑप्शन बी यू स्कोल्ड द चाइल्ड एंड एंग्रीली रेजिस्ट हिम आप बहुत कस के उसको डांट मारेंगे और गुस्से से उसको हैंडल करेंगे या ऑप्शन सी यू फील सॉरी फॉर कमिटिंग अ ब्लंडर या ऑप्शन डी यू विल नॉट शो एनी इमोशन आप बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो जाओगे आप रिएक्ट ही नहीं करोगे कि जैसे कुछ हुआ भी तो ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स वो करेक्ट आंसर है क्यों करेक्ट आंसर है क्योंकि गलतियाँ नो वन इज़ परफेक्ट गलती किसी से भी हो सकती है और आपको स्टूडेंट को भी यही सिखाना है आप कैसे डाउन टू अर्थ क्योंकि जो टीचर है क्लास में वो रोल मॉडल होता है उनतीस बच्चों के लिए चालीस बच्चों के लिए वो चालीस बच्चे आपको फोर्टी फाइव मिनट्स के लिए फोर्टी मिनट्स के लिए लगातार सुन रहे हैं सो so आप उनके लिए रोल मॉडल हो आपको उनको यही सिखाना है कि गलती अगर होती है तो उस गलती को एक्सेप्ट करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए सो so उसी को अडेप्ट करते हुए उसी बात को रिफ्लेक्ट करते हुए अपने बिहेवियर में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर वैन यू फील सॉरी फॉर कमिटिंग अ ब्लैंडर नॉट एन इशू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है राइट right? Now question number थ्री a teacher of high caste is biased with the low caste students. Uh, what advice you would like to give to the teacher? Uh, ये ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन uh, है उसका मतलब है कि आपका कोई फ्रेंड टीचर है और वो हाई कास्ट का है लेकिन वो अपनी क्लास में जो लो कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत ही पक्षपात करता है उनके साथ बाइज्ड व्यवहार करता है तो आप अपने टीचर अपने फ्रेंड को क्या एडवाइस देना चाहोगे क्या ऑप्शन ए आप एडवाइस देना चाहोगे रिब्यू हिम फॉर नैरो थिंकिंग ऑप्शन बी हिज एटीट्यूड इज़ ऑल राइट ऑप्शन सी थ्रेट हिम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स ऑप्शन डी ही शुड नॉट बिहेव अगेंस्ट द नेशनल स्प्रिट एंड नीड ऑफ द आर सो uh, so यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ नॉट द करेक्ट आंसर आप बिल्कुल भी उसको नारो थिंकिंग के लिए uh, नहीं कहेंगे देन ऑप्शन बी हिज़ एटीट्यूड बिल्कुल uh, उसका एटीट्यूड सही है ये तो आप कह ही नहीं सकते हो आप एक टीचर होने के नाते उसको सही एडवाइस देंगे ऑप्शन सी थ्रेट हेम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप एक टीचर हैं और आपका ये स्वभाव होना चाहिए कि आप किसी को भी थ्रेट या कोई भी इस तरीके का संदेश ना दें जो कि uh, अमानवीय है राइट सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर जिसमें कहा गया है कि आप उसको ये समझाएंगे कि उसको ऐसा नेशनल स्प्रिट या नेशनलिज्म के अगेंस्ट उसको व्यवहार नहीं करना चाहिए यही आज की डिमांड है यही आज के समय की मांग है इस तरह से कन्विंस करते हुए आप अपने टीचर फ्रेंड को कन्विंस करेंगे राइट सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नाउ स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर सीरीज का जो लास्ट लास्ट सेक्शन है वो है होमवर्क असाइनमेंट क्वेश्चन जिसमें कि आपको हर बार की तरह एक एम सी क्यू दिया जाता है जिसको आप घर पे एनालाइज करते हैं उसका आंसर सोचते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम उसको डिस्कस करते हैं फिर हम आगे अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं सो so इस बार का जो होमवर्क असाइनमेंट क्वेश्चन है वो है While delivering lecture, if there is some disturbance in the class, then a teacher should. अगर आपकी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करोगे ऑप्शन ए कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन यू गो ऑन ऑप्शन बी पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस ऑप्शन सी नॉट ऑफ़ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव सो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको सम क्वेश्चन समझ में आ गया और आप इसका आंसर भी बिल्कुल सही फाइंड आउट करके रखेंगे सो so स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है अगर आपको ये हेल्पफुल महसूस हुआ है आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस ग्रुप में हम स्टूडेंट्स के साथ फ्री नोट्स और स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं और भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए बेनिफिशियल है नेट जे के रिगार्डिंग और आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग उसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है जिसमें आप अपना कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें मैसेज कर सकते हो या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है और उसके लेक्चर को आप चाह रहे हैं कि उसका लेक्चर आपको अवेलेबल uh, कराया जाए तो वो भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज uh, कर सकते हो राइट स्टूडेंट्स right, सो so स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप आ, आ, इससे आ, आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिला है तो इसे लाइक like करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ और अगर आप ये लेक्चर पहली बार सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आपको सभी लेक्चर्स की जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल पाए सो स्टूडेंट्स स्टे सेफ स्टे एट होम Take care of yourself. Goodbye.